लोकसभा चुनाव के नज़दीक आने के साथ बीजेपी और कांग्रेस में उलटफेर देखने को मिल रही है, लेकिन अब कांग्रेस को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ है, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उन्होंने एक आज पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को और इस्तीफे का ऐलान किया है। गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़े थे, विधानसभा का चुनाव लड़े थे और पिछले कुछ दिनों से नज़र नहीं आ रहे थे, तो उनकी चर्चा बनी हुई थी कि गौरव वल्लभ कहाँ हैं, लेकिन आज सुबह जिस तरह से उनका एक पत्र वायरल होता है कि अब गौरव वल्लभ इस्तीफा देते हैं, तो चर्चा बन गई है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो पार्टी सनातन के विरोधी हैं, जो पार्टी दिशाहीन बन चुकी है, उनके साथ अब मैं नहीं रहना चाहता। गौरव वल्लभ ने उस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और कहा कि जिस तरह से मैं पार्टी में जुड़ा था, मैंने सोचा था कि जो पार्टी पुरानी पार्टी और यूथ को साथ लेकर चलेगी, जो युवाओं की बात करेगी, लेकिन जिस तरह से जो देखने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पार्टी और जो राजनीतिक नेता हैं, जो ऊपर के नेता बैठे हुए हैं और जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच जो दूरी है उनको पाटना मुश्किल है। साथ ही जो बात कार्यकर्ता की मन की बात है वह बड़े नेता नहीं सुन पाते हैं। जिस तरह से जो राम मंदिर का मुद्दा था, उन्हें भी जो कांग्रेस है सही ढंग से नहीं बुना पाई, उसमें भी राजनीति की गई। गौरव वल्लभ का कहना था कि जिस तरह से जो सनातन की बात हम करते हैं, लेकिन मैं सनातन ही हूँ, लेकिन सनातन की बात कांग्रेस नहीं करती है। जो गठबंधन किया गया है उसमें भी उन लोगों से गठबंधन किया गया है जो सनातन विरोधी है। गौरव वल्लभ ने कहा कि जिस तरह से जनगणना की बात करते हैं कि संपूर्ण देश में जो जातिगत जनगणना होगी, लेकिन उसमें भी अब हिंदू विरोधी सामने आ चुके हैं, तो अब कांग्रेस के लिए फिर से चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि गौरव वल्लभ ने जिस तरह से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, अब चर्चा चल रही है कि गौरव वल्लभ है वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से कयास चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो आलाकमान है, दिल्ली में भाजपा के बड़े नेता हैं, उनमें वह भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। जिस तरह से उनका जो लेटर था, उनमें लेटर में साफ था कि जो पार्टी सनातन विरोधी है, जो सनातन का नहीं सोचती है, जो अपने हित है, उसमें नहीं रहना चाहता हूँ। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस पत्र लिखा, उसके बाद अब उदयपुर में चर्चा बन गई। जिस तरह से गौरव वल्लभ को चुनाव लड़ाया गया था, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे और अब कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जिस तरह से टीवी पर लोग सुनते थे, जिस तरह से कांग्रेस के मुद्दे को गौरव वल्लभ उठाते थे, अब उन कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। अब गौरव वल्लभ जो इस्तीफा दिया है, तो अब चर्चा चल रही है कि भाजपा में शामिल होंगे। उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं देखने को मिल रही है, विराम नहीं लग रहा है। और अब जिस तरह से जो मेवाड़ वागड़ की राजनीति है, उसमें बड़ा उलटफेर हो चुका है। पहले चुनाव लड़ते हैं उदयपुर से, चर्चा चल रही थी कि पहले उस समय विरोध उनका काफ़ी हुआ था कि बाहरी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं स्थानीय हूँ, पिछले कई समय से यहाँ पर रह रहा हूँ, और जो लोग थे उन्होंने, जो कांग्रेसी थे, उनको साथ लेकर चलना था। यहाँ पर भी अच्छे खासे वोटों से हार गए, फिर बाहर चले गए। बताया जा रहा था कि बाहर पार्टी ने कहीं बाहर का कर्तव्य दिया है, किसी दूसरे राज्य का कर्तव्य दिया है, लेकिन अब उनका पत्र वायरल होते ही फिर से कांग्रेस में कहीं के खलबली मच गई है। वहीं भाजपा में जाने की तैयारियों पर भी जोरों पर चल रही है कि गौरव वल्लभ है अब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।